Tayyaba, just take it easy. Achha, please, pareshan mat ho. Main shaam mein chakkar lagaungi. I'm sure Bashar is in a very bad mood. If he said something to Adil, then... Okay, I'll call him in the evening. I'll take a chakkar lagaungi, zarur. Okay, baby, take care. Bye. क्या हुआ? होना क्या था? बुलंद ने तैयबा को घर से बाहर निकाल दी। What? Yes. And he's left for America. बेचारी, she's so upset. इतनी परेशान है वो घर वापस आ चुकी। And she's very miserable. रुदाबा अपने घर में सेटल डाउन हो चुकी है। मैं अपने घर में खुश हूँ। नुकसान किसका हुआ है? बेचारी मेरी छोटी बहन का? जिसका कोई कसूर ही नहीं था, वो तो मुफ्त में मारी गई ना। इस वक्त हम लोग प्लीज रुदाबा से मिलने के लिए नहीं जा सकते। बशर इस वक्त बहुत बुरे मूड में होगा। हो सकता है गुस्से में आके बिटरनेस में वो तुमसे कुछ भी कह दे। मैं तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज। ओके, लेकिन तुम तो रिलैक्स रहो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? आदिल, तुम लोग कुछ देर इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे? अरे मेरा भाई तो वैसे ही बदनाम है, लेकिन तुम दोनों ने तो चारों खाने चित कर दिए। मेरा भाई अपने घुटनों पर आ गया, मैं अपने घुटनों पर आ चुकी। रुदाबा वहां पे अब ऐश करेगी, आराम से रहेगी, और मेरी बेचारी बहन तो... शाना साहिरा, देखो जैसे रुदाबा और बशर ठीक हो गए हैं, वैसे ही तैयबा और बुलंद भी ठीक हो जाएंगे। एक दफे ये बेबी हो जाए, बुलंद भागता हुआ आएगा बच्चे की कशिश में। थोड़ा टाइम तो दो चीजों को। अच्छा, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो होम, अपने घर चलें। सायरा, मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। You're welcome. आइए। मैम, सर आपका नीचे लंच पे वेट कर रहे हैं। आप चाय में आती हूँ। आपको पता है कि सर को जो है गुस्सा आ जाता है, वो ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, आप चाय में आती हूँ। आप अभी ही चलिए। सर, मैडम आ गई। बैठो रुदाबा। यहाँ नहीं, वहां सामने। मेरी एक बात तुम सारे कान खोल के समझो, हमारी बेगम को फिश बहुत पसंद है, सो लंच हो या डिनर, इन्हें सिर्फ फिश ही खिलाना। हमारे लिए क्या बनाया आज स्पेशल? सर, पुलाव एंड ड्रम स्टिक्स। गुड, बताइए। हाँ मैम, आपको सर बुला रहे हैं। क्यों? मैम, सर कह रहे हैं कि आप जल्दी उनके कमरे में आ जाएं। प्लीज मैम, जल्दी चलें। Your time is up.
सर बस जस्ट ज्वेलरी बनाना बाकी है। मैं बना दूंगा। ओके मैम, गुड इवनिंग सर। तुम्हें क्या लगता है ज्वेलरी मैं तुम्हें बनाऊंगा? आओ मेरे पास। तुम्हें लगता है कि ये जेवर तुम्हें मैं खुद पहनाऊंगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि ये जेवर तुम्हें मैं नहीं पहनूंगा। ये बताओ कि मेरा जेवर पहनाना तुम्हें अच्छा लगता है या बुरा? क्यों? एकदम मुश्किल सवाल है। जैसे आपकी मर्जी। देखो, थोड़ी देर में तुम्हारा भाई यहाँ आने वाला है और तुम जानती हो कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उसको हमारी शादी में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहनों को तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूं। तुम्हारी वजह से मजीद परेशान नहीं करना चाहता। जितना इग्नोर कर सकता था कर चुका हूं, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ऑलरेडी तुमसे बहुत नफरत करता हूं। कोशिश करना कि मेरी नफरत ज्यादा ना बढ़े। परेशान भी हूँ तुम्हें पता है। क्यों ना हम वलीमा थोड़ा सा आगे करते हैं, बिकॉज तैयबा जिन चीजों से गुजर रही है वो वाकई बहुत तकलीफ दे है। She's going through a lot of things. Depression में है। ऐसी अगर हम कोई हरकत करेंगे तो वो और परेशान हो जाएगी। हाँ हाँ बशर, बिल्कुल। जैसे घर के हालात नॉर्मल होते हैं, I think तब तक we can wait. Sure. Great. रुदाबा, I know तुम्हारा बहुत दिल कर रहा है, लेकिन तैयबा की जो हालत है वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। So इसलिए तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, प्लीज अगर तुम बोलो तो हम थोड़ा सा वलीमा आगे कर दें। क्यों? जैसे आपकी मर्जी। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो छोटी सी गेट टुगेदर कर लेते हैं अपने जो हमारे करीबी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को बुला के, अगर बोलो तो। मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं चाय का क्या किया आती? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। माना के तुम लेडी ऑफ द हाउस हो, लेकिन इस घर के नौकर ट्रेंड है, वो खुद ट्रॉली वगैरह ले आएंगे। हाँ मैं जरा देख कर आती हूँ कि तैयबा क्या कर रही है। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम यहीं पे बैठो, मैं शौहर के साथ बातें करो। आई बी राइट बैक। ये तो एक ही रात में मजरू बन चुका है। अगर इतना ही बेकरार होता रुदाबा के लिए तो इतनी ज्यादा एक्टिंग करने की उसको क्या जरूरत थी? Damn it! रोमियो की तरह से स्टूपिड लग रहा था। उसको बैठ के अपने हाथ से ज्वेलरी पहना रहा था वो। अगर इतनी प्यारी लग रही थी तो पहले रुखसती क्यों नहीं की? इतनी ड्रामेबाजी करने की उसको क्या जरूरत थी? बिलावजह लेके तुम्हारा घर भी दांव पे लगा दिया। ओवरएक्टिंग।
मेरे सामने तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स बोल रहा था। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके दिल और दिमाग पे मेरे नाम की मोहर लगी हो। मुझे अपनी जिंदगी अपने बाप की तरह नहीं गुजारनी, मुझे सफर नहीं करना। नो दैट ओ ज़ाहिरा, ये सब एक ड्रामा है, वरना जो हकीकत है ना वो देखने के काबिल है और ना ही सहने के। व्हाट डू यू मीन? मतलब ये कि बुलंद का सारा हिसाब रुदाबा से लिया जा रहा है, लेकिन तुम ये बात आदिल भाई को मत बताना, वरना तुम्हारा अपना घर डिस्टर्ब हो जाएगा। मैम, आपको और किसी सर्विसेज की जरूरत है? नहीं। ओके, थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। शोर नहीं करते, शोर नहीं करते, दुआ करो कि उसके लिए वक्त आसान हो जाए। इतना रोना ठीक नहीं है, फरिश्ते नाराज हो जाते हैं, फिर सकरात भी ना लंबी हो जाती है। इसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, दो दिन से दर्द की दवाई भी नहीं मिली इसे। सांस लेने में नहीं, दम देने में तकलीफ हो रही है। तो जानते हैं ये अब ठीक नहीं हो सकती। फिर भी ताई अम्मी, मरना भी तो आसान किया जा सकता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे पैसे दे दो। देख, मेरे पास जो कुछ है ना, वो तुम चारों के पेट का ईंधन भरने में खर्च हो जाते हैं, और इजाफी खर्चे कहां से लाऊं? चल जा, दफा हो जा, जा उसके पास जाके बैठ। हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी खैरल्ला, हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी खैरल्ला, हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी खैरल्ला, हस्बी रब्बी जल्लल्ला।
हेलो ऊपर आओ मेरे कमरे में आपने बुलाया क्या कर रही थी मां कहां वही जहां तुम्हें रखा गया है मतलब किसी की यादों में गुम थी इसलिए बताते हुए कतरा रहे हो किसी इंसान का माजी इतना गंदा भी ना हो कि उसे शर्मसार होना पड़े बाद में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इतनी बेशर्मी सर दबा दो मेरा सुना नहीं तुमने सर दबाओ मेरा नफरत का ढेर सारा पानी मिला फिर समझौते की बर्फ के दो टुकड़े उसमें डाल के उस जहर को घूंट घूंट करके हलक से उतारते जाओ मरते जाओ पीते जाओ पीते जाओ मरते जाओ जब तक जिंदगी है बस मर मर के गुजारते जाओ पीते जाओ तुम्हारे हाथों की खुशबू रुदाबा तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत है मैं इन हाथों को छुआऊंगा उसने अपने हाथों में थामता होगा इसे अशर ऐसी लड़की नहीं ऐसे कोई मर्द दीवाना नहीं हो जाता किसी लड़की के पीछे कि अपने बीवी बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए छोड़े मुझे छोड़े घिनाती मुझे आपकी इन पागल बातों से आपके सिवा आज तक मुझे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया सच सच बताओ मुझे तन्हाइयों में तुम दोनों की मुलाकातों के सिलसिले कितने तवील थे जल्दी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ छोड़े मुझे आप जानते हैं मैं मान लेता हूं मान लेता हूं यकीन कर लेता हूं इस बात का
और वैसे भी जरूरी थोड़ी है कि मंजिल पे पहुंच के ही दम लिया जाए। अखलाकर इंसान को कभी कभार रास्ते में भी रुकना पड़ेगा। बकवास बंद कर दे अब, घटिया शख्स है अब। इधर आ और बात सुन मेरी कान खोल के। जितनी लिमिटेशंस मैंने तुझे इस घर में दी है, सिर्फ उनके अंदर रह के मुझसे बात कर, समझिए। अगर मुझे अपनी बहन का चेहरा ना बार बार सामने आए तो एक सेकंड में खत्म कर दूं मैं तुझे। खत्म कर दे मुझे, प्लीज खत्म कर दे मुझे। मुझे इस लत पर ही जिंदगी नहीं चाहिए। खत्म कर दे मुझे। मार दो तुझे यार, मौत दे दो। अरे नहीं बाबा, इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुम्हें। मौत तो एक एक तोहफा होगी तुम्हारे लिए, तोहफा। रुदाबा, ए, काश तुमने सिर्फ सर मुझसे मोहब्बत की होती ना। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे लिए क्या कुछ कर जाता मैं। एक दफा तुमने मेरी मोहब्बत में अपनी मंगनी तोड़ी होती ना तो। और क्या थी वो मंगनी, क्या थी? ना कभी उसे देखा, ना जाना, ना मिली, बस मेरी आंखों के सामने, मेरे सामने तुम उसकी होती चली गई। कितनी दफा मैंने तुम्हें मौका दिया, तुम्हें समझाया कि खत्म कर दो इस मंगनी को, तोड़ दो, लेकिन तुम्हें मेरा मेरा प्यार नजर ही नहीं आया। घंटों मेरी आंखें तुम्हें तकती रहती थी, तुम्हें देखती रहती थी, और तुमने एक दफा मुझसे नजर नहीं ली। तुम तो बस ने मंगेतर के पीछे पागल हुई भी थी हर वक्त उसके साथ, और मैं सुलगता था अंदर से तुम दोनों को साथ देख, सुलगता था। बशर, वो मेरा मंगेतर था और मैं तुमसे मोहब्बत करता था, पर मुझे तो अपने मंगेतर से मोहब्बत करनी चाहिए थी। तुमने उससे मोहब्बत की थी और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। की जाने वाली मोहब्बत को बदला जा सकता है रुदाबा, लेकिन कमबख्त जो मोहब्बत हो जाए उसे कैसे बदले। क्या लगा? जो कुछ मैंने अभी कहा वो सब कुछ सच था। तुम जैसी औरत को बशर कभी भी इज्जत नहीं दे सकता, उसको अपनी आंखों पे नहीं बिठा सकता। मैं इतना बगैरत नहीं हो सकता कि सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हें वो मकाम दूं। शुक्र करो तुम साहिरा का, जिसकी वजह से आज तुम यहां मेरे सामने खड़ी हुई। और ना जानती तुम जैसी लड़कियों के साथ क्या होता है, एक सिर्फ एक गोली। बात कान खोल के सुन लो रुदाबा,
अगर बुलंद तुम्हारे आसपास भी नजर आया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके चीला को डाल दूंगा, समझे? तुम जानती हो बीवियां बहुत बहुत पर होती हैं, पर तुम जैसी लड़कियां बीवी पत्नी के काबिल नहीं होती। बोल आई लव यू, बोलो बशर आई लव यू, बोलो बशर आई लव यू, बोलो बशर आई लव यू। सुनाई नहीं दिया मुझे, जोर से बोलो, बोलो बशर आई लव यू, बोलो आई लव यू। एक दफा बशर आई लव यू। आवाज नहीं आ रही रुदाबा, आवाज नहीं आ रही, बोलो बोलो बशर आई लव यू। एक दफा और बोलो बशर आई लव यू। मोर लाउडर बशर आई लव यू, बशर आई लव यू। एक दफा और बशर आई लव यू, बोलो बशर आई लव यू, बशर आई लव यू। आज पूरी दुनिया सुने कि तुम क्या कह रही हो, बोलो बशर आई लव यू। शाबाश, एक दफा और। स्पीक अप। I love you, Bashar. 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 मैम हम पे 5 लाख रुपए का कर्जा था जो कि आज तो मैंने हिम्मत करके बोल दिया। फिर
फिर क्या, आज तो सर आपको पता है किसी चीज के लिए मना नहीं करते। उन्होंने फौरन ही सर खान से कह के मेरा सारा कर्जा उतरवा दिया। अच्छा वाह, और तुमने क्या मांगा? मैंने तो सर से कह दिया कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे मदद चाहिए। सर ने सर खान से कहा कि आप खुद इनकी बेटी की शादी में शरीक होंगे और सारा मेरे अकाउंट से खर्चा देंगे। और सलीम का कहना तो अपने बेटे के लिए टैक्सी भी मांग ली। और सर ने भी हंस के कहा कि हाँ, आप लोग जानते हैं कि मैं कभी किसी की बात को रद्द नहीं करता, आज इसलिए आप लोग आज के लिए सारी फरमाइशें जमा करके रखते हैं। वाकई? पर आज के दिन क्यों? मैम, आज सर के अब्बू की बरसी है और वो किसी को खफा नहीं करते, बल्कि वो हम लोगों को बुलाकर कहते हैं कि आप लोगों की क्या जरूरियात है और हम भी सारा साल अपने मसाइल जमा करके रखते हैं और आज के दिन हल करवाते हैं। बल्कि आज तो हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी रकम अदा करते हैं और लंगर वगैरह भी करवाते हैं। बशर साहब आज के दिन बिल्कुल वो इंसान नहीं। अच्छा, लोगों ने अभी तक सफाई नहीं करी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तुम्हें पता है सर के बाद मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। कितने लोगों की जमानत करवानी है? सर कुल 25 लोग हैं और पैसे तकरीबन 2 करोड़ रुपए बन रहे हैं। करवा दे यार, खामखा बेचारे बेजुर्म सजा काट रहे हैं। 1 करोड़ रुपए कैंसर हॉस्पिटल में जमा करा दिया और यतीम खाने में जो चीजें चाहिए थी वो पहुंचा दी और मजारात पे लंगर भी तकसीम करवा दिया। और हाँ सर, वो बच्चे आगे पढ़ने के। सर मैं कहता कि सब हो गया। आपसे मेरी बंदगी है, तू ही तू मेरी दुआ है, तू ही तू दिल की सदा है, तू ही तू मेरी वफा है बाखुदा, तू ही तू सपना है मेरा, तू ही तू अपना है मेरा, तू ही तू मुझ में बसा है बाखुदा। ये तो मेरा खाना नहीं है। मैम सर ने कहा है आज से आपको यही मिलेगा। Forget it, बशर भाई, नहीं खाना तो ना खाए। आप तो खाना खाए बशर भाई। खाना